और अच्छे से ओरिफ्लेम को जो है हम ग्रो के साथ हम ग्रो हो सकें। अच्छा जी, सो चूंकि आवाज भी आप लोगों को बिल्कुल ठीक आ रही है और क्लियर आ रही है, सो स्टार्ट करते हैं अपना इस सेशन को। मजीद मैं इसके लिए वेट नहीं करती, बिकॉज बाकी लोग इंशाल्लाह साथ साथ एड ऑन होते जाएंगे। हम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और आज की जो जो हमारी ट्रेनिंग है ये है बेसिकली स्टेप वन। मुझे तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं चदप जवाहर, आप लोगों की एरिया सेल्स मैनेजर। और आज हम कर रहे हैं स्टेप वन जो हमारा है सोशल सेलिंग के हवाले से डिटेल्स हैं। और स्टेप वन अगेन, जिस तरह आप पहले भी हम स्टेप वन की ट्रेनिंग अटेंड करते थे, उसके अंदर हमें यही बात बताई जा रही होती थी कि जी हम ओरिफ्लेम के साथ कैसे अपना फर्स्ट डे से ही काम स्टार्ट करें कि हम बहुत अच्छे से पहले दिन से ही अर्न करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट नन्हे मुन्ने स्टेप आपने कैसे उठाने हैं, तो यहाँ आज इस सेशन के अंदर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा आप लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, तो वालेकुम अस्सलाम आप सबको भी। अच्छा जी चलें, तो मैं भी आ गई हूँ। आज मैंने सोचा इतने दिनों के बाद दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो आप लोगों के साथ आप लोगों को मैं नजर भी आ जाऊं। ठीक है चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे चैट को क्लोज कर रही हूँ, जैसे कि आप सबको मेरी आवाज भी ठीक से आ रही है और स्क्रीन भी आई एम श्योर नजर आ रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को, सेशन को, ट्रेनिंग को। एंड आई एम श्योर आप लोग भी मेरी तरह बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लर्न करने के लिए, और नोट पैड पेन आप लोगों ने रेडी यकीन कर लिया होगा। ठीक है जी, चलिए तो चैट मैं यहाँ पे डिसेबल कर रही हूँ जी, और सेशन के बाद इंशाल्लाह मैं चैट को दोबारा से ओपन कर दूंगी ताकि आप लोगों का जहां पे जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग मुझसे कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, ताकि थोड़ा सा हम पंप अप हो जाएं और हम जो है मजा आएगा इंशाल्लाह। अभी देखिएगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे। और जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने दोबारा से आया, ओरिफ्लेम की प्रोफाइल, ओरिफ्लेम के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे देखा डिटेल्स, और अभी मजीद में जानेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम यहाँ आज इस सेशन के अंदर अटेंड करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशल आप कैसे होंगे ओरिफ्लेम के साथ, सोशल सापियो के अंदर, ये जो आपका पहला स्टेप है। सो आज की इस ट्रेनिंग के अंदर हम लर्न करेंगे कि किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे
इस हवाले से इंटरेस्ट लोगों का, और कंटेंट कैसा होगा? कंटेंट का वर्ड आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा इससे पहले भी, लेकिन आज बहुत सारा इसमें आपको ना क्लैरिटी भी हो जाएगी, समझ आहिस्ता आहिस्ता समझने शुरू कर देंगे और डेवलप भी कंटेंट करना शुरू कर देंगे कि लोगों को क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज भाती है, जो उस हिसाब से हम ऐसी चीज ऐसी पोस्ट अपडेट करें कि लोग बाकी हमसे पूछें और वो इंटरेस्ट लें। अगर हम कोई प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं तो वो उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट लें और वो हमसे क्वेश्चन करें, हम कैसे ओरिफ्लेम के बिजनेस की तरफ लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, हम कैसे उनको इंगेज कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें स्टेप वन के अंदर आप लोगों को सिखाई जाएंगी। आज स्टेप वन के अंदर हम दो एजेंडास, दो मॉड्यूल्स हम इसमें यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। सो स्टेप वन के अंदर सबसे पहली चीज जो हम आपको बताएंगे वो हम आपको ये बताएंगे कि सोशल सेलिंग एक्चुअली है क्या। जो हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि ओरिफ्लेम जो है ये एक सोशल सेलिंग कंपनी है, तो अब अगेन आप एक ऐसी कंपनी से बिलोंग करते हैं जो कि सोशल सेलिंग कर रही है, तो सोशल सेलिंग का एक्चुअली मतलब क्या है इसके बारे में आगे चलते हैं और जानना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे सोशल सेलिंग के ऊपर बात करेंगे। जब सोशल सेलिंग का नाम लिया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया, सोशल और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीजें, जब हम इतना डर गए हैं ना असल में, जब हम सोशल का नाम लेते हैं तो एकदम से ख्याल दिमाग में आता है कि ये सोशल मीडिया यानी कि ऑनलाइन ही सेलिंग हो रही होगी। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि सोशल सेलिंग से मुराद ये है कि जो भी सेलिंग, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, सोशल का मतलब ये है, जैसे हम कहते हैं ना ये कितना सोशल है, इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा लोगों में उठता बैठता है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करता है, इंगेज रहता है। तो ये सोशल से मुराद यही वाला सोशल है, एंड सोशल सेलिंग से मुराद कि आप फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं और सेल करते हैं, ना के किसी एडवर्टाइजमेंट को देख के या किसी एड को देख के या किसी और तीसरे रेफरेंस से आपको पता चले इस हवाले से। तो यहाँ पे जो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट और ओरिफ्लेम के बिजनेस को जो आगे लेके चला जा रहा होता है, ये हम करते हैं सोशल सेलिंग से। सोशल, अब ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम तो बिल्कुल भी सोशल नहीं है, इसका मतलब हम काम कर ही नहीं सकते, मेरी तो फ्रेंड्स ही नहीं है। तो यहाँ आप लोगों को बताऊं कि सोशल सेलिंग करना बहुत ही आसान है और ये हम हर रोज अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि रोजाना हमारे ना क्या कहते हैं जीन्स के अंदर है कि हम जब भी कुछ अच्छा पहनते हैं, यूज करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं तो हम जरूर कोई ना कोई स्टोरी जरूर सुनाते हैं, चाहे वो हमारी अम्मी हो, चाहे वो हमारी फ्रेंड हो, जब कजन हो, हम जब उनसे मुलाकात करते हैं तो हम उनको साथ साथ बता रहे होते हैं कि मैंने ना ये परफ्यूम लगाई है और ये बहुत ही अच्छी है, या इसकी खुशबू ऐसी है और ये मुझे इतनी अच्छी प्राइस में मिल गई, इस तरह डिफरेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो हम करते ही है, तो हम क्या करते हैं, हम डेली, हम हर रोज ही कोई ना कोई स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर कर ही रहे होते हैं। तो इस सब ये सब तो आप लोगों को आता है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो हम लोगों को रिकमेंड भी करते हैं। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमें नहीं आता क्योंकि हमने इससे पहले कोई ऐसी सेल्स की जॉब नहीं की। तो अब थोड़ा सा पीछे जाइए और याद कीजिए आप लोगों ने लास्ट टाइम कब अपनी फ्रेंड को बताया था कि ये वाली मूवी बहुत अच्छी है, जरूर देखना। ये लास्ट टाइम आपने कब बताया था कि खाने पकाने की ये वाली रेसिपी है, ये वाला जो मसाले का डब्बा है शान का XYZ, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आया था बिरयानी के अंदर, ये वाला जो है ना जरूर ट्राई करना। या हम कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं कि यार मैंने इस ब्रांड से ये कपड़े लिए हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिले हैं और बहुत ज्यादा चले भी हैं, तो ये जरूर ट्राई करना। अब आप लोगों को याद आ रहा है कि ये तो हम सब करते हैं, ऐसे तो हम सब बोलते हैं, ठीक है जी, हाथ उठने शुरू हो गए, इट मीन्स कि आप लोगों को याद आना शुरू हो गया कि यस ये तो हम करते हैं। ठीक
ठीक है जी। तो अगली तीसरी बात अगर मैं सोशल की होने की बात करूं तो तीसरी बात यह है कि हम रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। अब रिलेशनशिप हम कैसे बिल्ड करते हैं, हम यकीनन हम कहीं ना कहीं जब आप अपने बच्चों को स्कूल अब भी थोड़े बहुत खुल गए हैं, जब हम रोजाना छोड़ने जाते हैं लेने आते हैं तो वहां पर बहुत सारे और भी बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनसे हेलो हाय सलाम दुआ हो जाती है और वो क्या होता है कि वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, या हमारी पड़ोसन जब हम उनके साथ मिलते जुलते हैं तो वो उनके साथ भी हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। इस तरह बहुत सारी जगहों के ऊपर हम ना कुछ रिलेशनशिप्स बिल्ड कर लेते हैं और या सब लोग करते हैं। तो इट मींस के आप लोगों के लिए ओरिफ्लेम के बिजनेस को करना मुश्किल नहीं है, आप सब ये काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। आप लोगों को इस सेशन के अंदर बताऊंगी, हेल्प करूंगी और आप सब लोग इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा जी, सो आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करते हैं सबसे पहले सोशल सेलिंग के बारे में। मजीद आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं ये देती हूँ कि सोशल सेलिंग जो है ये और भी ज्यादा एक सर्वे किया गया, उसके अंदर तकरीबन बहुत लोगों ने ये बात बताई कि जब उन तक कोई प्रोडक्ट पहुंचती है या मिसाल के तौर पे जब वो कोई एड देखते हैं टीवी के अंदर या जब वो किसी कोई बिलबोर्ड देखते हैं तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है और फिर उनको जिस जिस चीज के बिलबोर्ड सबसे ज्यादा नजर आ रहे होते हैं और जिसमें हम वो वाली प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो एक सर्वे के मुताबिक 14% लोगों ने यह जवाब दिया कि वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर यकीन रखते हैं, यानी कि जो इश्तिहार की सूरत के अंदर उन तक पहुंच रहा होता है वो उस पर यकीन करते हैं, जबकि 90% लोगों ने ये जवाब दिया कि हम उन चीजों को खरीदते हैं जो कि हमें कोई रिकमेंड करता है अपना, ठीक है, जो कि हमें कोई अपना रिकमेंड करता है या जो कोई हमें बताता है कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये यूज किया है, ये अच्छा है एक्स वाई जी, तो फिर हम लेते हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से इस बात को सोचिए, आप में से बहुत सारे आई एम श्योर यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी परसों मेरी ब्यूटी अकेडमी की क्लास ली थी, तो हमने ब्यूटी अकेडमी के अंदर भी यही बात मैंने हाईलाइट की थी कि एक और सर्वे के दौरान 80% लोगों ने यही जवाब दिया था कि हम अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली की रिकमेंडेशन के ऊपर जब भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट चूज करते हैं तो हम उनकी रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हैं और वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो अब जो मैं आपको सर्वे के हवाले से बता रही हूँ ये एडवर्टाइजमेंट और रिकमेंडेशन से रिलेटेड एक सर्वे किया गया था जिसमें 14% लोगों ने कहा कि हम टीवी के एड को देख के डिसाइड करते हैं, जिसके सबसे ज्यादा इश्तेहार एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है हम वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, और 90% लोगों ने कहा कि नहीं जी हमें जो कोई रिकमेंड करता है कोई बताता है कि इससे फायदा हुआ है तो फिर हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अब सोचिए कि ओरिफ्लेम आप लोगों के लिए कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म लेके आया है कि 90% तो दुनिया में लोग ही ऐसे हैं जो रिकमेंडेशन के ऊपर बिलीव रखते हैं, तो अब आप लोगों के लिए प्रोडक्ट को रिकमेंड करना आसान है, आप लोग प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से रिकमेंड करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ओरिफ्लेम सोशल सेलिंग का एक प्रोसेस है जो आप लोगों ने समझना है, ठीक है। तो इससे पहले हमने जितनी भी बातें की वो सब आई एम श्योर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग साथ साथ क्लियर हुई होगी कि हम रोजाना ही बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम उनके साथ उनको रिकमेंड भी करते हैं, उनके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ हम उनके साथ एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं। तो ये सब काम आप लोग कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और सोशल सेलिंग अब ये भी हमें पता चल गया कि 90% लोग यकीनी रिकमेंडेशन पे करते हैं, तो इट मींस कि सोशल सेलिंग इज द थिंग जो कि आप लोगों को ग्रो करवा सकती है। अब सोशल सेलिंग को कैसे अच्छे तरीके से किया जाए, क्योंकि सोशल सेलिंग भी आप लोग अभी आज की तारीख में कर रहे हैं लेकिन शायद वो रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यकीनन ये ट्राई भी किया होगा, करके छोड़ दिया होगा, बोला होगा कि जी रिजल्ट ही नहीं आ रहा।
यहाँ ये प्रोसेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, या आज बहुत सारे नए लोग भी कनेक्ट होंगे तो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि हम क्या तरीकेकार अपनाएं तो हमारे लिए सोशल सेलिंग जो है हमें हम उसमें कामयाब हो सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आप लोगों ने याद कर लेना है कि हमने चीजों को शेयर करना है। जब हम शेयरिंग कराएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, जब लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ही वो आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, लेकिन वो तब पूछेंगे जब हम शेयर करेंगे। तो अब आई थिंक इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों को अपनी सबसे बड़ी गलती याद आ रही होगी कि हम शेयर कम करते हैं और लोगों का इंटरेस्ट या लोगों से डिमांड ज्यादा रखते हैं कि बस हमें ऑर्डर्स मिल जाए। लेकिन हमने अब इसको मैच करना है कि क्या हमने शेयरिंग की थी, या की थी तो सही की थी शेयरिंग, जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमसे ज्यादा से ज्यादा लोग पूछें प्रोडक्ट के बारे में, या वो हम या वो इस हवाले से इंटरेस्ट दिखाएं अपना। ठीक है, दूसरी बात जो आती है वो आती है इनवाइट की। ठीक है, सो द सेकंड थिंग इज कि क्या हमने उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन दी है, या क्या हमने उनको वो रास्ता बताया है, या क्या हमने उनको ये बात बताई है कि वो इस प्रोडक्ट को हमसे ले सकते हैं। और इसके साथ जो थर्ड चीज है वो है इंगेजिंग की, कि मिसाल के तौर के ऊपर वो कस्टमर इंटरेस्ट शो कर भी देता है और वो आ भी जाता है तो वो फाइनली वो प्रोडक्ट ले ले, और लेने के बाद वो आपके साथ एक कनेक्शन में रहे, और जब भी आपके पास कोई नई प्रोडक्ट आए आप उसको शेयर कर सकें, आप उसे इंगेज कर सकें, और वो आपका पोटेंशियल कस्टमर हो, रिटर्निंग कस्टमर हो, यानी कि जब उसके पास प्रोडक्ट खत्म हो जाए वो दोबारा से आ जाए, या वो कुछ और चीज में इंटरेस्ट ले, सबसे पहले वो आपसे मशवरा करे कि जी मुझे क्या लेना। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी सोशल की कहानी है, जो एक ये प्रोसेस है जो कि आपको पूरा करना होता है, शेयर, इनवाइट एंड एंगेज का। तो इसको हमने याद कर लेना है, जैसे हम शो, इनवाइट, अटेंड को याद करते थे, अब हम लोगों ने शो की जगह के ऊपर शेयर करना है, और इनवाइट तो हमने डेफिनेटली उन्हें करना ही है, और अटेंड के साथ साथ हमने उनको इंगेज भी रखना है। ठीक है जी, इसको अभी थोड़ी सी डिटेल के अंदर हम जानेंगे, और सबसे पहले हम आ जाते हैं शेयरिंग के ऊपर। ठीक है, सो शेयरिंग की इम्पोर्टेंस आई एम श्योर आप लोगों को पता चल गई होगी कि हम एक गलती करते हैं, और हम सभी लोग आज की डेट में गलती कर रहे हैं कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हमें ऑर्डर दें, या वो हमसे इंटरेस्ट लें, या वो जब हम पोस्ट करें तो वो बे इंतहा अच्छे रिस्पॉन्सेज आए और ऑर्डर्स की लाइन लग जाए एक्स वाई जी। तो क्या हमने शेयरिंग इस हवाले से की है कि लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये चीज अभी हम डिटेल के अंदर जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब को समझ आ रही होंगे पॉइंट्स जो, क्योंकि बेसिकली मैं सिर्फ डिलीवरी के साथ साथ उन पॉइंट्स को भी ज्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे नजर आ रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, ये जब वो पूछते हैं तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि ये मसला है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे उन पॉइंट्स को भी एड्रेस कर रही हूँ ताकि मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठा सकें। ठीक है जी, सो अब आप लोगों ने ध्यान से इन चीजों को सुनना है। शेयरिंग के हवाले से हम सबसे पहला स्टेप करने जा रहे हैं कि हम कैसे शेयरिंग करेंगे तो लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट डेवेलप होगा। तो शेयरिंग का, ठीक है, क्या जो हम शेयरिंग कर रहे हैं वो जो इंफॉर्मेशन है, क्या वो एक एक्सपीरियंस से गुजरी हुई चीज है? मतलब एक्सपीरियंस से मुराद ये कि आप उसको इस्तेमाल कर चुके हैं या आप उसको यूज कर चुके हैं, क्या वो एक्सपीरियंस हुआ है आपको जो आप शेयर कर रहे हैं, या आप विदाउट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? ठीक है, दूसरी चीज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड रिव्यूज की, कि हम कौन सी प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लिए कंटेंट क्या डाल रहे हैं, और रिकमेंडेशन के साथ जो उसके रिव्यूज हैं, चाहे वो मैंने यूज किया, मेरी बहन ने किया, मेरी चाची, खाला, मामी, ताई ने यूज किया, या दोस्त ने यूज किया, क्या हम उस प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन के साथ साथ उसके तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि हमने ब्यूटी टिप्स और ट्यूटोरियल्स भी शेयर करने हैं। ब्यूटी टिप्स डेफिनेटली हम सभी जानते हैं,
और हम सब बहुत सारी चीजें ना एक्सपीरियंस करते हैं जब हम ये ओरिफ्लेम का भी मेकअप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट न्यू न्यू लुक्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स के थ्रू। एंड फोर्थ चीज जो है वो है कि आप प्रोडक्ट के हवाले से जो न्यूज है, यानी कि उसकी इंग्रीडियंट की, उसकी इंफॉर्मेशन की, उसके ऊपर डिस्काउंट की, उसके ऊपर ऑफर्स की, ये सारी चीजें प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या हम ये भी शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो मिला के आपका शेयरिंग बनता है। शेयरिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट की पिक्चर उठाई और ठप करके हमने शेयर कर दी, या कैटलॉग उठाई और किसी को दे दी और ये शेयरिंग हो गई, तो ये अगर आप कर रहे हैं तो शेयरिंग नहीं है। शेयरिंग के अंदर ये तमाम तर चीजें हैं कि आप प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस और स्टोरीज के जरिए इसको शेयर करें, और इसके साथ प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हो, रिव्यूज भी बता रहे हो जो आपको मिल रहे हैं, और तीसरी चीज ब्यूटी टिप्स और ट्रिक्स भी आप शेयर करें, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बना के शेयर करें, और चौथी चीज जो है वो प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोशल सेलिंग से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे सेल कर रहे हो, सोशल सेलिंग से मुराद फेस टू फेस भी है, यानी कि जो डायरेक्ट हम मिलके किसी को कर रहे होते हैं या फिर हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। फेस टू फेस अगर बात की जाए तो हम शेयरिंग करते हुए हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे हम अपने किसी काम पे जाते हैं, किसी इवेंट के अंदर जाते हैं, हम वहां पे शेयर कर सकते हैं, हम किसी कैफे पे बैठे हुए हो, चाय कॉफी पी रहे हो, हम वहां पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग रिलैक्स होने के लिए आ रहे होते हैं, तो वो एक अच्छे पीस ऑफ माइंड के अंदर होते हैं। समटाइम हम अपने काम के अंदर, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, वहां पे बहुत सारे कलीग्स होते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट पार्टीज के अंदर जब हम जाते हैं, क्योंकि हम खुद वेयर किए हुए होते हैं तो हम एक्सप्रेस भी कर रहे होते हैं, लोग हमसे पूछ भी रहे होते हैं, तो वहां हम शेयर कर सकते हैं, जिम वगैरह पे शेयर कर सकते हैं, कहीं एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं या अपने पड़ोस में जा रहे हैं, इन सारी जगहों के ऊपर क्योंकि आप खुद भी चल के जा रहे होते हैं फेस टू फेस, तो इस तरीके से आप वहां पे शेयरिंग कर सकते हैं। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। अगर मैं पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा फेमस या बहुत ज्यादा जो यूज हो रहे हैं उसकी बात करूं तो उसमें सबसे टॉप के ऊपर है फेसबुक, एंड देन आपका इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक भी काफी फेमस हो रहा है, काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और इसके साथ व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए, इसी तरह बहुत सारे लोग अगर ट्विटर यूज करते हैं या ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप लोग, उसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम भी दोबारा से अब एक व्हाट्सएप की तरह ही है, वो भी इन हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, इतने सारे चैनल्स हैं। अगर आप अभी तक सिर्फ फेसबुक पे ही कर रहे हैं, बाकी एक्सप्लोर नहीं किए, तो आप वो भी करें, आप बाकी चीजों में भी इन होना शुरू हो, ताकि आपको पता चले कि आपके लिए बेस्ट मीडियम क्या है। इन सारी जगहों के ऊपर जहां पे भी आप शेयरिंग करेंगे, ठीक है, हमने कहाँ कहाँ शेयर करना है, ये मैंने आपसे दोनों बातें डिस्कस कर ली कि फेस टू फेस और सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जब भी हमने शेयर करना है, हमने एक स्टोरी की शक्ल के अंदर शेयर करना है। जब हम बच्चों को भी कोई सबक पढ़ाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों को भी एक स्टोरी बना के समझानी होती है ना, स्टोरी के अंदर जब हम कोई बात बताते हैं तो बच्चों को भी समझ आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम खुद भी कोई मीटिंग, ट्रेनिंग सेशन ले रहे होते हैं, तो वहां पे भी अगर सिर्फ हमें पढ़ाया जा रहा होता है तो हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, या हम इतनी अटेंशन नहीं दे रहे होते जितनी अटेंशन से हमें सुनना चाहिए। लेकिन जब कोई बताने वाला हमें एक स्टोरी की तरह बताता है, उसे जरा मजे से बयान करता है और एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करता है, तो फिर क्या होता है, इंटरेस्ट रहता है, फिर हमारा उसकी बात सुनने को दिल करता है। तो अब आप लोगों ने लोगों को वैसे बताना शुरू करना है जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें, ठीक है। आपकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है ना यार, जब हम सुन रहे हो तो फिर
मजा नहीं आ रहा है इसको सुनने में, तो जरा अपने ऊपर भी गौर करें, क्या हम लोगों से बात करते हुए क्या लोग हमें एंजॉय कर रहे हैं, क्या लोग हमें सुनना चाहते हैं? अगर सुनना नहीं चाहते तो इट मीन्स कि हमने फिर यहाँ पे इस जगह पे अपनी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? सो स्टोरीज क्या करती हैं, वो लोगों को इंगेज रखती हैं और उसके साथ हमें भी मोटिवेट करती हैं, ठीक है? और आगे चलने का रास्ता भी वो खोलती जाती हैं। ओरिफ्लेम के अंदर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें इन सब चीजों के लिए इंफॉर्मेशन ओरिफ्लेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन हो जाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ ओरिफ्लेम कंपनी की प्रोफाइल और ओरिफ्लेम के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताती चलूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, और इसको याद रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपने अपनी कंपनी का प्रोफाइल भी देना होता है। जब आप किसी बच्चे का अपने घर में स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो हम पहले कितनी छानबीन कर रहे होते हैं ना, कि क्या है, कैसा स्कूल है, प्रिंसिपल कैसी है, टीचर्स कहाँ से पढ़ी हुई हैं, प्रिंसिपल कितना पुराना स्कूल है, कंसर्न्स होते हैं, इस तरह बहुत सारी चीजों में होते हैं। तो सोचिए कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी की क्या प्रोफाइल है, ये आपको पता इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आप ओरिफ्लेम के साथ बिजनेस कर रहे हो, और आपको इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि आपने चलते फिरते रोज एक दिन छोड़ के एक्स वाई जी आपने लोगों से शेयरिंग भी करनी है, और कोई भी आपसे ये सवाल कर सकता है, तो इसलिए आपकी नॉलेज यहाँ पे कंप्लीट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, कि ओरिफ्लेम का जो आगाज हुआ था, स्टार्ट हुई थी वो आज से 50 साल पहले हुई थी, 1967 के अंदर स्टॉकहोम के अंदर स्वीडन में इसकी बुनियाद रखी गई थी। और ये दो भाई जो आपको पिक्चर में भी नजर आ रहे हैं, रॉबर्ट एफ योकनिक एंड योनस एफ योकनिक, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, और जो कॉन्सेप्ट था वो भी यही था कि हम लोगों के जरिए प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ओरिफ्लेम 50 साल पहले भी आप पे यकीन रखता था और आज भी आप लोगों पे यकीन रखता है, और इसी वजह से उसने आप लोगों को, आम लोगों को चुना कि वो इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है जी? ऐसा नहीं है कि हमारे उनके बहुत छोटी कंपनी है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, या ये कोई स्पैम कंपनी है इस वजह से इसके एड्स नहीं चलते। तो यहाँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, क्योंकि इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन मेरे पास भी लोग आते हैं और वो कह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसका आंसर आप लोगों को बताना चाहती हूँ इसलिए, ताकि आप लोग भी, लोगों को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कह रहे तो आप उसको जवाब दे सकें, कि देखिए ओरिफ्लेम जो है ये एक सोशल सेलिंग कंपनी है, और ओरिफ्लेम का जो बिजनेस करने का तरीकेकार है वो डिफरेंट है, वो डायरेक्ट सेल्स है। जो भी इनडायरेक्ट सेल्स होती है उसके अंदर डिफरेंट मीडियम्स को, टीवी को, एडवर्टाइजमेंट को और डिफरेंट चीजों को यूज किया जाता है, लेकिन ओरिफ्लेम वो यूज करने के बजाय आप लोगों पे, हम लोगों के ऊपर यकीन रखती है कि जब हम खुद इस्तेमाल करेंगे और उसका रिजल्ट अच्छा होगा तो दिल से हम लोगों को रिकमेंड कर रहे होंगे, ठीक है? और इसकी पावर आप लोगों ने आज खुद भी देख ली कि 90% तक लोग अब इस पर शिफ्ट हो चुके हैं कि हम पर्सनल रिकमेंडेशन की वजह से लोगों को से प्रोडक्ट को समझते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है? ये पहले भी ओरिफ्लेम कंपनी पर्सनल रिकमेंडेशन पे ही इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसीलिए इसका नेटवर्क, इसका काम करने का तरीका भी यही है। हम चाहते हैं कि आप इसे लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है? और आज आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि यूरोप की ओरिफ्लेम पहली सोशल सेलिंग ब्यूटी कंपनी है, ठीक है? और नंबर 1 सोशल सेलिंग कंपनी है यूरोप की, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए बहुत एजाज की बात है कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो कि यूरोप के अंदर नंबर 1 पे आती है सोशल सेलिंग के अंदर। इसके साथ साथ स्वीडिश ओरिफ्लेम जो है बेसिकली स्वीडिश इनहेरिट पे काम करता है, क्योंकि इंस्पायर्ड है स्वीडन की ब्यूटी से, और इस वजह से जितने भी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है वो नेचुरल इंग्रीडियंट, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स पे बनाया जाता है, और साइंस
का जो बेसिकली उसको उसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं वो भी फिर उसके अंदर ऐड की जाती हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं ताकि प्रोडक्ट मजीद बेहतर हो। और इसके साथ साथ ये जो कंपनी है ये फैमिली ओन्ड कंपनी है, यानी कि एक फैमिली से फैमिली बिजनेस से ये स्टार्ट हुई और अभी तक ये एक फैमिली ही लेके चल रही है। और इसी वजह से ये हमारा फैमिली बिजनेस भी कहलाता है, क्योंकि आप लोग भी जब ये बिजनेस कर रहे होते हैं तो इसमें आप लोगों की पूरी फैमिली, आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के बहन भाई, अम्मी अबू हस्बैंड सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना। और इसके साथ साथ इसी वजह से इसकी जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अभी माशाल्लाह 30 लाख से ज्यादा ब्रांड पार्टनर्स जो है वो एक्टिवली ओरिफ्लेम के साथ काम कर रहे हैं। सो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स, ओरिफ्लेम की रेंज, ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटीज इतनी अमेजिंग है कि प्रोडक्ट के साथ साथ आप लोगों को रिकग्निशन का मौका भी देती है, आप लोग अपने सेल्फ एक्सप्रेस भी कर रहे होते हैं और 60+ कंट्रीज के अंदर ओरिफ्लेम जो है वो एग्जिस्ट करती है। 30 लाख से ज्यादा डेफिनेटली कंसल्टेंट्स हैं, 50 ईयर्स से ज्यादा हो चुका है और चैरिटी के अंदर भी ओरिफ्लेम पीछे नहीं है। दोबारा से बात करते हैं ब्यूटी बाय स्वीडन की, और स्वीडन का मानना ये है, ओरिफ्लेम का मानना ये है कि खूबसूरती सिर्फ वही नहीं जो हमें दिख रही होती है, बल्कि स्वीडन का, ओरिफ्लेम का मानना जो स्वीडन ब्यूटी के ऊपर है वो ये है कि हम कितना खुश हैं, हम स्ट्रेसफुल हैं। आजकल की जिंदगी की दौड़ के अंदर जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, आपने देखा है उन लोगों को कि वो कितने स्ट्रेसफुल रहते हैं। अभी कोविड के दिनों में भी देखा तो क्या होता है कि स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, उसकी वजह से हम अपनी पर्सनल, अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी पर्सनल हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते, बहुत सारी चीजें। तो स्वीडन का मानना ये है कि असल खूबसूरती ये है कि हम कितना खुश हैं और हम कितना बेहतर जिंदगी को अंदाज में जीते हैं। और इसके साथ जब हम अच्छा खाते हैं, पीते हैं, अच्छा रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन भी खूबसूरत रहती है, खूबसूरत हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको आज़ादी होती है, आप जैसा लुक क्रिएट करना चाहें, डार्क मेकअप, लाइट मेकअप ना करना चाहें आप मेकअप, आप स्किन केयर यूज करें, आप फ्रेग्रेंस, मतलब आपके पास भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हर तरह की प्रोडक्ट मौजूद है जो कि आप डेली अपनी लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ओरिफ्लेम का सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा बिलीव है। जैसे कि आप लोगों को पता, आजकल लोग भी बहुत ज्यादा कंसर्न है और बायोडिग्रेडेबल का वर्ड आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा सुना होगा। तो बताते चलूं कि ओरिफ्लेम की भी जो लव नेचर की रेंज है, और भी इसके साथ साथ ओरिफ्लेम कोशिश कर रहा है कि इसकी जो पैकेजिंग है वो बायोडिग्रेडेबल है और मजीद इसको कन्वर्ट कर किया जा रहा है ताकि माहौल के ऊपर इसका कम से कम असर हो। जैसे कि हम ये बात कहते हैं कि ओरिफ्लेम जो प्रोडक्ट बनाता है तो उस वक्त भी इस चीज का ख्याल रखता है कि पानी और तवनाई का कम से कम इस्तेमाल हो, यानी कि नेचुरल तरीकों से हम ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो इन्वेंट कर लें, बना लें, ताकि माहौल के ऊपर जो आलूदगी होती है उससे जो है माहौल हमारा जो है वो फ्रेश रहे और नेचर टू क्लोज टू नेचर हम लोग जो है वो बेसिकली रहे। तो यहाँ पे एक वीडियो आप लोग देख सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। नेचर होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स, इट्स पार्ट ऑफ हु वी आर एंड हाउ वी लिव, इट्स वेयर वी गो टू रीएनर्जाइज एंड रिकनेक्ट। नेचर इंस्पायर्स अस टू क्रिएट द ब्यूटी प्रोडक्ट्स वी लव, but nature is precious, so we need to protect it. We want future generations to enjoy it as much as we do before it's too late. That's why we're doing everything we can to rethink and redo how we make our products. We use 100% green renewable electricity and protect and plant millions of trees each year. 100% of our paper and cardboard packaging is sustainably sourced, and we're creating more water-friendly, biodegradable beauty products. We've come a long way. Our own manufacturing is already climate neutral. We're not done yet. We're determined to make an even greater difference and become fully sustainable. Let's be part of the solution for a better, more beautiful tomorrow.
So, देखा आपने कि ओरिफ्लेम कितना पोरिज्म है. अभी भी हम ऑलरेडी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स पैकेजिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम इसको और ज़्यादा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये सिर्फ हम खुद नहीं कर पा रहे, इसका हिस्सा आप लोग भी हैं और आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं. आप ये बात लोगों को बता भी सकते हैं कि अगर वो ओरिफ्लेम यूज करते हैं तो उसके साथ साथ वो इस चीज के लिए साथ स्टैंड है कि उनके इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं वो नेचर से ली गई और नेचर को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया गया, और इसके साथ साथ ये माहौल को आलूदगी से पाक करने के अंदर एक अपना हिस्सा, एक अपना किरदार अदा कर रहे हैं. क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता चला कि ये बायोडिग्रेडेबल है, माहौल पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ऑब्वियसली हम ऐसी चीजों का हिस्सा बन रहे हैं जो कि माहौल को नुकसान नहीं दे रही. सो ओरिफ्लेम के साथ काम करते हैं 100+ साइंटिस्ट जो कि प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को रिसर्च करते हैं. ओरिफ्लेम के अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं. इंग्रेडिएंट जितने भी लिए जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, उनको एक बेहतरीन इको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजारा जाता है जो कि यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर तैयार की जाती हैं, और तमाम पर प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती हैं. ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर जो एक्सफोलिएंट्स हैं, यानी कि जब स्क्रब वगैरह डेड स्किन रिमूव करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, बीड्स होते हैं, वो प्लास्टिक के नहीं होते बल्कि वो भी नेचर से ही लिए जाते हैं. डिफरेंट तरह के, जैसे आलमंड शेल से, बादाम के छिलकों से, जैतून की सीड से, ठीक है, इस तरह की चीजों से बनाए जाते हैं. और नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशन के ऊपर प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है. किसी भी ऐसी प्रोडक्ट को नहीं इस्तेमाल किया जाता जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो ऑलरेडी, ठीक है, और एक बेहतरीन किस्म की सेफ्टी टेस्टिंग से गुजारा जाता है कि ये सेफ है इंसानी स्किन पे यूज होने के लिए, तो तभी ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लाई जाती है. तो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन और वाइड किस्म की रेंज है जिसके अंदर न सिर्फ स्किन केयर है बल्कि आप कलर कॉस्मेटिक भी देखते हैं, आप फ्रेग्रेंसेस भी देखते हैं, आप हेयर केयर एंड बॉडी केयर की प्रोडक्ट्स भी देखते हैं और वेलनेस भी देखते हैं. लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही पाकिस्तान के अंदर भी वेलनेस अवेलेबल होगी. तो चलिए अब टाइम हो गया है क्विज का, देखते हैं कि आप लोगों ने कितना लर्न किया और मैं कितनी कामयाब हुई आप लोगों को सिखाने के अंदर, ठीक है जी. तो मैं यहाँ पे चैट जो है वो ओपन कर देती हूँ और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों से चाहूंगी, और आप लोगों ने जल्दी से चैट करके मुझे बताना है कि ओरिफ्लेम कब और कहाँ बनी थी. टाइम साथ जल्दी से पहला कमेंट जिसका आएगा सही वो जीत जाएगा. जी लिख सकते हैं आप लोग, मैंने चैट ओपन कर दी है. सोच रहे हैं अभी तक. जी आधा जवाब आ गया. किसका किसका सबसे पहला आंसर आया है? हमना नूर, वेरी गुड. स्वीडन स्टॉकहोम के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी, एंड ऑल ऑफ यू जिन्होंने जवाब दिया बेहतरीन. और 1967. अच्छा महविश फाजिल, 1.1967 का मुराद समझ नहीं आया मुझे. अगर ये है कि जनवरी में, तो ये तो नहीं आप लिख रही. चलें जी ग्रेट. तो आप सभी लोग माशाल्लाह बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं. हमना नूर 1976 नहीं है, 67 है, ठीक है. बाकी आप लोगों के जवाब बिल्कुल बेहतरीन और दुरुस्त है. सेकंड पे आ जाते हैं. व्हाट आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्यूटी बाय स्वीडन. ओरिफ्लेम क्या कहता है कि कौन सी तीन चीजें ओरिफ्लेम की खूबसूरती, ओरिफ्लेम का जो मानना है कि ओरिफ्लेम की नजर में, स्वीडन की नजर के अंदर कौन सी तीन चीजें हैं जो हमारी खूबसूरती होती हैं. नो सना, नो 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 सादिया, नो माही, गलत आंसर. ये तो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप लोग आंसर कर रहे हैं. हार गए. नो
अच्छा जी, राबिया सलाउद्दीन आप बहुत करीब करीब हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, ब्यूटी स्किन एंड 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 पर्सनल एक्सपीरियंस। यस, सो मरिया मोहसिन एंड राबिया सलाहुद्दीन। ठीक है जी, गुड है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी, आप लोगों ने बेहतर आंसर दिया, बेहतरीन आंसर दिया। जमरद आपने भी बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर दिया। तो याद रखें कि ओरिफ्लेम का जो खूबसूरती के बारे में मानना है वो ये है कि हम कितना अच्छा लाइफस्टाइल को जीते हैं। ठीक है, अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सेकंड इज ब्यूटीफुल स्किन, जो कि हमें मिलती है जब हम अच्छा खुश रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो स्किन भी हमारी स्ट्रेसफुल होती है ना, और हम अच्छा दिखते हैं, स्किन ब्यूटीफुल होती है। और तीसरी चीज पर्सनल एक्सप्रेशंस, यानी कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के थ्रू हम इतने अमेजिंग तरीके से अपने एक्सपीरियंस पर एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चले जी, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द सिक्स कैटेगरीज इन द ओरिफ्लेम प्रोडक्ट रेंज? ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट रेंज के अंदर छह कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ओए होए होए होए, सदफ ताज। अच्छा, स्टार्ट किसने दिया? पहला आंसर दिया स्किन केयर, एक हो गया फ्रेग्रेंस, दो हो गया ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नहीं बैग्स, नो मेकअप, नो सही वर्ड। अच्छा जी, सामिया, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक, फ्रेग्रेंसेस, बॉडी केयर। चले, सलफ्ताज ने वेलनेस भी बता दिया और एसेसरीज। यस, ठीक है, तो ये है करेक्ट आंसर छे, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक, हेयर केयर एंड बॉडी केयर, फ्रेग्रेंसेस, वेलनेस एंड एसेसरीज। ये हमारी छह कैटेगरीज हैं। चले जी, ग्रेट हो गया। चले जी, सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ब्यूटीफुल क्लैप टू ऑल ऑफ यू। रिंकल्स रिंकल्स कहाँ से आ गए अस्मा? सवाल तो समझे। चले जी, आगे बढ़ते हैं और चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी मार्केट्स इज ओरिफ्लेम प्रेजेंट इन? ओरिफ्लेम कितनी कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? 60। गुड 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 गुड, जमरद आसिम जीत गई हैं और गुड। चले जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बेहतरीन आंसर। वेयर आर ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स डेवलप? ओरिफ्लेम का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? स्वीडन। ग्रेट, बतूल फातिमा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड 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 गुड। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स आर देयर? ओरिफ्लेम के साथ कितने इंडिपेंडेंट ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स? 30 लाख। हीरा अजहर, क्या बात है जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 3 मिलियन, नहीं 30 मिलियन, हाँ सॉरी, 3 मिलियन एंड 30 लाख, सॉरी। ओके जी, चलें, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू, बेहतरीन आंसर। चीटिंग आई एम श्योर आप लोगों ने नहीं की होगी। चले जी, सो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोडक्ट स्टोरीज के ऊपर। अब इसको भी चैट दोबारा से बंद कर रही हूँ, अच्छे बच्चों की तरह आप लोग खामोश होकर बैठेंगे और सुनेंगे और लिखेंगे, ठीक है? फिर हम इंशाल्लाह दोबारा से अभी कनेक्ट होते हैं और ठीक है। सो चैट आप लोगों की बंद कर दी है मैंने, आपस में बातें ना किया कर मुझसे किया गया। अच्छा जी, तो प्रोडक्ट स्टोरीज के ऊपर आते हैं और जल्दी से हम जानते हैं कि प्रोडक्ट की स्टोरीज हम कैसे शेयर करें, क्योंकि मैंने ये बात बताई थी कि शेयरिंग के अंदर प्रोडक्ट को शेयर करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके रिव्यूज को शेयर करना इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टोरी बना के उसको शेयर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्ट और एंगेजमेंट लोगों की लेके आती है, ठीक है? सो सबसे पहली बात कि हम ऐसे क्या, कैसे हम एक ऐसी प्रोडक्ट की स्टोरी बनाएं जो कि लोगों को बहुत अच्छी लगे, ठीक है?
प्रोडक्ट की स्टोरीज कैसे बनाए। तो सबसे पहले ये सवाल है कि सॉरी हिचकी आ रही थी एकदम से, व्हाट आर प्रोडक्ट स्टोरीज, के प्रोडक्ट की स्टोरीज क्या होती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वर्ड शायद न्यू भी है। तो बेसिकली स्टोरी क्या होता है कि एक छोटी सी सिंपल अल्फाजों के अंदर हम एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जो कि वो आगे भी किसी को बता सके। रीटेलिंग होती है कि हमने कैसा एक्सपीरियंस किया। जैसे मैं एक स्टोरी बताती हूँ कि मेरे हैंड्स बहुत ज्यादा ड्राई रह रहे थे क्योंकि मैं बर्तन बहुत ज्यादा धोती रहती हूँ हर बार, तो उसकी वजह से मेरे हाथ बहुत ड्राई रह रहे थे। या चले मौसम खराब कर लें आजकल ड्राइनेस की वजह से, तो क्या हुआ कि मैंने मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ओरिफ्लेम की हैंड क्रीम बहुत ही अच्छी है, और मैंने ये हैंड क्रीम इस्तेमाल की और देखो मेरे हाथ कितने सॉफ्ट हो गए। पहली ही दफा जब मैंने इसे लगाया तो इतना अच्छा रिजल्ट इसका मुझे मिला, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, और अब मैं मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। मैं जब भी इसको अच्छे से अपने हाथों को रखती हूँ इस क्रीम के थ्रू, मुझे ज्यादा अच्छा फील भी हो रहा है और मुझे इसके साथ मेरी स्किन भी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ये सिंपल एक क्या है, छोटी सी स्टोरी है। तो ये हो गई प्रोडक्ट स्टोरीज। व्हाट आर दे सो इम्पॉर्टेंट, व्हाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट, तो ये जरूरी क्यों है। अब वही वाली बात है कि जी क्यों जरूरी है, हम उसको कॉपी पेस्ट कर दें ओरिफ्लेम की वेबसाइट से डेटा उठाएं और उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, जो हम पिक्चर लगाने के साथ पूरा का पूरा एक कॉपी करते हैं कंटेंट और उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं और अपने हाथ उठा लेते हैं जी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। व्हाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि लोग वैल्यू करते हैं। वही वाली बात बता रही हूँ ना, 90% तो लोग लिखे हुए को यकीन ही नहीं करते, या 90% लोग किताबी बातों पे यकीन नहीं करते, 90% लोग एडवर्टाइजमेंट को देख के यकीन नहीं करते, बल्कि वो यकीन करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, मेरे क्या अल्फाज हैं। अगर मैं मिसाल के तौर के ऊपर, अब देखें ये आप लोगों को अपनी इतनी बड़ी गलती याद आ जाएगी ना जो आप लोग करते हैं, मेरे पास एक कैटलॉग, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर चलेंगे कैटलॉग ले लें। हम क्या करते हैं जब हम कोई पिक्चर इसकी, लेट से हैंड क्रीम की मैंने पिक्चर उठाई, चले मैंने अपने हाथ में लेके अच्छी से इसकी पिक्चर बना ली, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे गई, वेबसाइट पे जाके मैंने इस क्रीम को सर्च किया, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बारे में इतना बड़ा मुझे लेक्चर मिल गया 10-12-15-18 लाइनों का, और मैंने कहा ये इतना परफेक्ट लिखा हुआ है, इतना अच्छा लिखा हुआ है, मैंने उसको कॉपी किया, अपने फेसबुक पे इसकी पिक्चर डाली और इसके साथ पेस्ट कर दिया। और अब आप लोगों ने तो ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की जो कि सिर्फ और सिर्फ ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे, आपके अलावा बाकी लोग तो जो लिखते हैं वो एम ही लिखते हैं, ठीक है, या वो इतना अच्छा नहीं लिखते। आपने तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वाला कॉपी करके पेस्ट किया, लेकिन क्या होगा इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट आपको लाइक्स नहीं मिलेंगे, लोग आपसे नहीं पूछेंगे। अब आप लोग खुद सोच लें कि जैसे ही न्यू कैटलॉग आती है और नई ऑफर्स आती हैं, हम उठा के ठग ठग पिक्चर्स के साथ डेटा कहाँ से उठाते हैं, डेटा हम इसी तरीके से उठाते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात ये कि लोग रिकमेंडेशन के बारे में जानना चाहते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर के ऊपर आपने अगर कोई एक पोस्ट लगाई है उसके ऊपर, उसके साथ आप उसका रिव्यू शेयर कर रही हैं, वो बंदी ऑलरेडी आपके फेसबुक पेज के लाइक्स पे है या आपकी प्रोफाइल में एडेड है, तो क्या होगा कि जब वो दोबारा से वो पिक्चर देखेगी और अपना रिव्यू पढ़ेगी तो वो उसको लाइक जरूर करेगी या दोबारा से लिख देगी कि यस इट वॉज वेरी नाइस प्रोडक्ट और मैं अभी तक इसको यूज कर रही हूँ और मैं बहुत इसको एंजॉय कर रही हूँ। तो क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा, एक को पॉजिटिव देखेगी तो क्या करेगी 10 लोग और उस प्रोडक्ट के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन लेना आपसे शुरू कर देंगे और वो यकीन करेंगे, वो आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे। तीसरी चीज जो हो गई कि हमने कहाँ शेयर करना है, तो फेस टू फेस लोगों से मिलके शेयर करना है। जैसे हम जिम पे जाते हैं, अगर नहीं जाते तो मैं अगेन वही बात बोलूंगी, हमारे लिए वर्जिश बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग अपनी इस बिजी रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकाल सकें आधे एक घंटे के लिए तो जरूर जाएं, या कहीं वॉक पे चले जाएं किसी पार्क के अंदर, ठीक है, ये आपको
एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप डिफरेंट पार्टीज के अंदर चीजों पर जाते हैं, सोशल मीडिया का बैठ के ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। अब ये एक स्टोरी आप लोगों ने देखनी है, ठीक है? Telling the personal story about an experience that you've had with your original product is a great way to get people just as excited about the decision work. Today, when we have a product need, instead of looking at business advertising, we look for recommendations. People really value other people's opinion instead of business advertising. Your story is going to be a really powerful recommendation tool. Here are some questions to think about before you craft your own product story. If your story answers all of these questions, you know that you've got something. What concern did you have before starting to use the product? How were you introduced to the product? What product was it that you started to use? And what results did you have by using the product yourself? And what does that mean to you? So this is my product story. When someone from Oriflame approached me and asked me to try out a sample of the Nuvage Ecology, I was intrigued. I'd been looking for a skincare solution to help me with my dry skin. The results? Pretty instant. My skin got absolutely amazing. So within 12 weeks, the results were unbelievable. My skin felt really nourished and it had given me back that youthful glow. It's my absolute favourite. Super simple, right? But before you get started on crafting your own product story, here's a few do's and don'ts to bear in mind. Do make it short and sweet, so no more than 1 minute long. And make sure that you're choosing a product that you genuinely love and connect with. Focus on what the results mean to you. Be passionate, relatable, and show emotion. And make sure that you speak directly to your audience as if you were in the same room. Don't exaggerate your experience. It's really important that your story remains authentic. Don't refer to any medical conditions or unrealistic claims. Don't overwhelm people with too much information. So you should follow the instructions in this video and write out your own product story. Practice and record the video on your phone and make sure that it's no more than 1 minute long. Share the video with your sponsor and your online manager, and then continue to share your product story with 3 new people every day. Now it's your turn to go and create your own product story. That was a bit fast. So sorry. ऑलराइट जी, सो आई थिंक आप लोगों को इससे थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे और कहा इन्होंने कि इन क्वेश्चंस की को अगर आपकी स्टोरी के अंदर इन सारे सवालों का जवाब है तो इट मींस कि आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है और परफेक्ट स्टोरी है जो कि लोगों को इंगेज कर सकती है, ठीक है जी। और फिर उन्होंने उस स्टोरी को बनाया और उसके बाद उन्होंने इसके बारे में बताया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन पॉइंट्स को जरूर याद रखना है कि जब आप अपनी स्टोरी क्रिएट करें, ठीक है, तो उसकी वीडियो जैसे कि इन्होंने भी कहा कि शॉर्ट हो, तो 1 मिनट से ज्यादा इसका दोहरानिया ना हो। तो अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इस तरह एक छोटी सी वीडियो बनानी है एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ जो कि आप खुद इस्तेमाल करते हैं और आप उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, ठीक है, यानी कि वो प्रोडक्ट आपको पसंद है, क्योंकि वो फिर आपके जो रिव्यूज है ना वो दिल से आते हैं, ठीक है। तो आपने उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए उसकी 1 मिनट की वीडियो बनानी है, लेस देन 1 मिनट, 30 सेकंड 40 सेकंड भी बिल्कुल बेहतरीन है। और ये जो स्टोरी आप बनाएंगे ये आपकी ऑथेंटिक स्टोरी होगी, झूठ नहीं बोलना, जो आप जैसे फील करती हैं आपने वैसा ही शेयर करना है। और इसके साथ साथ आपने रिजल्ट्स को फोकस करना है, यानी कि आपने बताना है कि उसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे कैसा महसूस हो रहा है और क्या रिजल्ट मिला। और इसके साथ साथ जब आप रिकॉर्ड कर रही हो तो एक्सप्रेशंस आपके फ्रेश हो, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हो, पता चल रहा हो कि यार ये कुछ आर्टिफिशियल नहीं है और आप बहुत अच्छा महसूस भी करती हैं। जब प्रोडक्ट की स्टोरी को आप रिकॉर्ड कर रही हो तो आपने बहुत ज्यादा बातें नहीं कर
सॉरी डिस्कनेक्शन हो गई आजकल यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ सिग्नल्स का इशू आ रहा है जिसकी वजह से कल भी हमारी ओएम के अंदर काफी डिस्कनेक्शन रही। जी सो आई एम बैक अगेन। अच्छा जी, सो यहाँ पे हम मौजूद थे डॉन्स के ऊपर और हम ये बात कर रहे थे कि हमने किसी भी मेडिकल हवाले से रेफर क्लेम नहीं करना, और इसके साथ साथ आपने इसके हवाले से कोई लिस्ट या मतलब वही वाली बात है कि जस्ट इसको मेक इट सिंपल, ठीक है, इसमें किसी किस्म के क्लेम्स के ऊपर किसी भी किस्म की ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर देनी जो के उस प्रोडक्ट की फीचर के अंदर ना हो, ठीक है। सो डोज के ऊपर सॉरी आप फोकस करें कि वीडियो जो है वो 1 मिनट से छोटी हो, नेचुरल हो, और आप उसके अंदर सही ओरिजिनल जो आपको प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस मिले हैं आप वो बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस थे जिसके ऊपर आपने अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है वो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं कि आपने आपको क्या इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आपके साथ क्या मसाइल थे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप अगर हैंड क्रीम के बारे में आप रिव्यू कर रहे हैं तो आप ये बता रही होंगी कि मेरे हैंड्स बहुत ज्यादा ड्राई थे और मैं इस हवाले से सोच रही थी, देख रही थी, सर्च में थी किसी ऐसी प्रोडक्ट की जो कि मेरे हाथों को ड्राइनेस से बचाए, सो मुझे इस क्रीम के बारे में लिप से पता चला और मैंने इसे इस्तेमाल किया और इसके इस्तेमाल करते ही मुझे रिजल्ट्स मिल गए, मेरे हाथ वापस सॉफ्ट हो गए और ऐसा ऐसा नरिश भी होते गए और अब मेरी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग है अपने हैंड्स की भी, ठीक है। तो बस जस्ट इतना सा आपने जो है वो अपना प्रोडक्ट की स्टोरी इस तरीके से क्रिएट करनी है। आप यकीनन नोवेज आप सभी लोग यूज कर रहे होंगे अपनी अपनी एज एंड टाइप के अकॉर्डिंगली। सो अगर यहाँ पे नोवेज का जैसे कि आपने वीडियो में देखा था कि नोवेज की प्रोडक्ट स्टोरी में सबसे पहली बात थी कि क्या कंसर्न था, तो हमने कंसर्न बताया डेफिनेटली आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही होगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो रही होगी और आपको स्किन की ड्राइनेस के हवाले से इश्यू होगा या स्किन आपकी इतनी अच्छी हाइड्रेट नहीं होगी। और फिर उसके बाद आप को इस बारे में पता चला और मुझे इसके बारे में लेट से मेरी फ्रेंड ने बताया, मैं बहुत खुश हुई कि अच्छा ऐसा भी कोई सॉल्यूशन मौजूद है और मैंने फिर इसके बारे में जो है इस्तेमाल करना मैंने इसको ट्राई किया इसको मैंने, ठीक है। थर्ड चीज आ गई कि जी जब मैंने इसको ट्राई किया वो ओरिफ्लेम की नोवेज कॉलेजन ये पावर सेट था जो कि मैंने इसे ट्राई किया और फिर अब आ गए हम रिजल्ट्स के ऊपर। तो इसको इस्तेमाल करते हुए पहले ही दिन से मुझे स्किन के ऊपर रिजल्ट मिलना शुरू हो गया और प्रॉपर 12 वीक्स के अंदर इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब मैं अपनी स्किन को पहले से ज्यादा टाइट फील करती हूँ, हाइड्रेटेड फील करती हूँ, स्किन मेरी सॉफ्ट और टाइटनिंग की तरफ आ गई है एक्सवाइजी, और इसलिए ये मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और मैं इसे बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करती हूँ, बहुत खुश होती हूँ इसको यूज करके और कॉन्फिडेंट रहती हूँ, अच्छा फील करती हूँ जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ। तो जस्ट इस तरीके से आपने अपनी एक स्टोरी जो है वो आपने क्रिएट इस तरीके से आपने करनी है। वेलनेस को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। सो यहाँ पे हम आज के इस सेशन को एंड करते हैं और आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रही हूँ और मुझे होमवर्क देना भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग सब इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल सही अच्छे से आंसर भी किया है एंड आई एम श्योर कि आप लोग जरूर इसे करेंगे। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों ने अपनी इसी तरीके से एक अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी स्टोरी क्रिएट करनी है। कोई सी भी प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आपको मिले हैं और आप उससे मुतमईन हैं
और आपको उस प्रोडक्ट से प्यार हो चुका है, तो ऐसी प्रोडक्ट को चूज कीजिए और उस प्रोडक्ट के हवाले से आपने इस तरह छोटी सी वीडियो बनानी है जो कि एक मिनट से कम का दौरानिया हो। बैकग्राउंड भी कोशिश कीजिएगा साफ क्लीन क्लियर हो, आप खुद फ्रेश दिख रही हो, आप बात करते हुए कॉन्फिडेंट हो, और प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। फर्स्ट एक दो ट्राइज के अंदर शायद आप लोगों को बहुत मुश्किल लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इसके आप बहुत अच्छी वीडियोस क्रिएट करने लग जाएंगे। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और आपके लोगों को लीडर सॉरी जो आपकी डाउनलाइन में लोग हैं उनको भी समझने में और न्यू कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग करने में, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक, यहाँ पे यही कहूंगी। बाकी सेशन को हम इंशाल्लाह कल 11 बजे कंटिन्यू करेंगे और अपने इस सेशन को, अपनी इस स्टेप वन सोशल सेलिंग की ट्रेनिंग को हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह कल 11 बजे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी स्टोरीज बनाएं। अगर आप उसे इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर शेयर कर रहे हैं तो जरूर मुझे टैग करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसे देखूं और उसे मैं जो है आप लोगों को इसके ऊपर कमेंट दे रही होंगी, ठीक है? इंस्टा के ऊपर मैं सिर्फ जवाद अहमद के नाम से आप मुझे देख सकते हैं। आई एम श्योर इसमें बहुत सारे नए लोग भी होंगे तो इसलिए मैं बता रही हूँ सिर्फ JAWWAD जवाद अहमद, ठीक है? तो इससे आप सर्च करके उस पर मुझे टैग कर सकते हैं। अच्छा जी, सो जो क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं इस ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है तो माजरत के साथ, इसलिए मैं इस पर कुछ भी आंसर नहीं करूंगी। आप लोगों को रिकमेंडेशन लेनी है, आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में मालूमात करनी है, तो इसके लिए आप अपनी स्पॉन्सर अपनी डायरेक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, वो आपको रिकमेंड कर देंगी, ठीक है? और आई एम श्योर कि आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा आज का सेशन, और कल मैं बिल्कुल आप लोगों को दोबारा से देखना चाहूंगी और फिर हम अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर करूंगी। अच्छा जी, ओके फेसबुक आईडी मेरी सदफ जवाद के नाम से है और इंस्टाग्राम के ऊपर सदफ जवाद अहमद के नाम से, ठीक है जी? चले, थैंक यू सो वेरी मच। एग्जैक्टली नेटवर्क का इश्यू रहा, उम्मीद करूंगी कि कल हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों के मैसेजेस बहुत अच्छे हैं और आप सब लोगों को भी बहुत सारा थैंक यू। बस अब आप लोगों ने भी इसको इम्प्लीमेंट करना है, साथ साथ आप लोगों को ये करवाने का मकसद ये है कि आप लोग सही डायरेक्शन के अंदर ओरिफ्लेम का बिजनेस करें ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कर भी सकें, ठीक है? ओके अच्छा, मेरा ईमेल आईडी sadaf.jawad@oriflame.com है, आप कैलेंडर पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे जो कैलेंडर अपडेटेड है उस पर ऊपर मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है? ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छी सी स्टोरी क्रिएट करनी और मुझे टैग करना है, मैंने वेट करना है आप लोगों का। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।